ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। महाराष्ट्र में राजनीतिक सरगर्मी एक बार फिर तेज हो गई है। शिवसेना के 16 विधायकों की अयोग्यता पर जल्द ही अंतिम नतीजा आने के संकेत मिल रहे हैं। अयोग्यता के फैसले को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर की ओर से की गई देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई थी। इन सबकी रिपोर्ट पेश करने का आदेश देकर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से सीधे तौर पर विधानसभा अध्यक्ष को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने का निर्देश दिया था। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने स्टैंड लिया था कि मैं किसी भी हालत में जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लूंगा। हालांकि राहुल नार्वेकर गुरुवार को अचानक दिल्ली के लिए रवाना हो गए, इससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा छिड़ गई है। क्या राहुल नार्वेकर दिल्ली में बीजेपी नेताओं के साथ 16 शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर चर्चा करेंगे? इस चर्चा के बाद राजनीतिक गलियारों में उत्सुकता है कि बीजेपी नेता राहुल नार्वेकर को क्या निर्देश दिए जाएंगे। 16 विधायकों की अयोग्यता पर अंतिम फैसले के लिए राहुल नार्वेकर का दिल्ली दौरा अहम माना जा रहा है। अगर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर दल बदल कानून के तहत शिवसेना के 16 विधायकों को अयोग्य करार देते हैं तो कई लोगों की नजर इस पर है कि क्या एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ेगा। इसीलिए राहुल नार्वेकर का दिल्ली दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इस बीच राहुल नार्वेकर ने दिल्ली को लेकर इन सभी संभावनाओं को खारिज किया। उनकी ओर से कहा गया है कि मेरी दिल्ली की यात्रा पूर्व नियोजित थी, इसीलिए मैं आज दिल्ली जा रहा हूं। 16 विधायकों की अयोग्यता के संबंध में होने वाली अन्य बातों पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, आप बस मेरे निर्णय पर ध्यान दो। ये फैसला लेने में कोई देरी नहीं होगी, किसी तरह निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं की जाएगी ताकि कोई गलत निर्णय ना लिया जाए। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि इस मामले में संविधान के अनुरूप निर्णय लिया जाएगा। नहीं, मेरे तो ये पूर्व नियोजित दौरा है और अनेक कार्यक्रम है जिसमें मुझे सहभाग लेना है और इसलिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ। नहीं, मेरे तो ये पूर्व नियोजित दौरा है और अनेक कार्यक्रम है जिसमें मुझे सहभाग लेना है और इसलिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ। आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।